गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। ये क्लास सिक्स है और आप लोग जो है कुछ पढ़ने वाले हैं। कल भी कुछ टॉपिक्स को पढ़े थे। आई होप आप लोग आगे रीडिंग दिए होंगे। आज आप लोग का होगा सी नंबर फॉन्ट टैब और ये पेज नंबर 62 है, ठीक है। और ये चैप्टर सिक्स है, देख लेते एक बार। ये चैप्टर सिक्स है, ठीक है। पेज नंबर आपका हो जाएगा 62। और टॉपिक हो जाएगा सी नंबर जो कि है फॉन्ट तो फटाफट आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए और शुरू करेंगे आज का अपना क्लास, जो कि आज आप लोग पढ़ेंगे फॉन्ट टैब, ठीक है। कैसे इसको सेट किया जाता है आज की क्लास में आप लोग देखेंगे। तो आपको मैं एक मिनट का टाइम देती हूँ, आप लोग अपना अटेंडेंस बना लीजिए, ठीक है। फॉन्ट टैब हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, बन गया होगा। चलिए अब हम लोग शुरू कर देते हैं। फॉन्ट फॉन्ट मीन्स जानते हैं ना आप लोग, जो राइटिंग्स होते हैं ना, जो लेटर्स होते हैं उसके स्टाइल को चेंज करना, ठीक है। उसके स्टाइल को, लिखावट को चेंज करना, वहीं से हम लोग फॉन्ट को जो है चेंज करते हैं। तो फॉन्ट में बहुत सारा चीज़ आता है। फॉन्ट का स्टाइल आता है, साइज आता है, कलर आता है, बहुत कुछ आता है जिसको हम लोग सेट करते हैं और अट्रैक्टिव डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं, ठीक है। चलिए, फॉन्ट टैब इज़ यूज टू सेट द टाइप फेस। फॉर एग्जाम्पल, टाइप फेस का मतलब देखिए, एग्जाम्पल के लिए बताया गया है टाइम्स न्यू रोमन एलोंग विथ इट्स एट्रीब्यूट्स। मतलब देखिए, एट्रीब्यूट्स क्या हो जाएगा, पॉइंट साइज, फॉन्ट स्टाइल, अंडरलाइन, कलर एंड इफेक्ट्स। ये सभी हम एक एक प्रत्येक लेटर्स पे, प्रत्येक वर्ड पे, जितने भी हमारे टेक्स्ट के अंदर टेक्स्ट होते हैं, लेटर्स होते हैं, उन सभी पे हम अप्लाई करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपका ये बुक है, ठीक है। तो आप बहुत सारे चीज़ को देख रहे हैं कि एक ही पेज में कम से कम 3-4 कलर है। कलर के बाद भी बहुत सारे पिक्चर्स हैं, छोटे छोटे बॉक्सेस जो है वो पिक्चर का ही रूप है। फिर आप उसमें लाइंस देख रहे हैं और बहुत सारे चीज़ को भी इसमें अप्लाई किया गया है ना। नंबर भी लाया गया है, रोमन नंबर भी लाया गया है, इस प्रकार से आप देख रहे हैं। तो इसमें फॉन्ट एक ही लिया गया है, स्टाइलिश फॉन्ट नहीं है, नॉर्मल फॉन्ट है, ताकि इसको बच्चे अच्छे से पढ़ सके, ठीक है। वरना कर्सिव राइटिंग भी आता है, बहुत सारे ऐसे लेटर्स आते हैं टेढ़े मेढ़े स्टाइलिश लेटर, जो कि दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव होते हैं। इसको हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, जो कि आप चल रहे थे फॉर्मेट सेल ड्रॉप डाउन लिस्ट जो था, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स था, ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं था, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स था, उसी में हम लोग नंबर और एलिगमेंट किए थे कल। और आज हम लोग करेंगे फॉन्ट, उसके आगे होगा बॉर्डर, फिर होगा फील, उसके बाद और भी है प्रोटेक्शन वगैरह सब कुछ है, ठीक है। तो इसके लिए हम पहले तो कोई एक डॉक्यूमेंट लेंगे, कुछ लेटर्स टाइप करेंगे या फिर आपका ऑलरेडी टाइप होगा, उसके ऊपर ये अप्लाई होगा। जो भी ऑप्शंस मैं अभी पढ़ाऊंगी ये उसके ऊपर अप्लाई होने वाला है। फर्स्ट स्टेप है क्लिक ऑन द फॉन्ट टैब। तो नंबर एलिगमेंट करने के बाद हम लोग फॉन्ट चेंज करेंगे, सॉरी टैब चेंज करेंगे। तो टैब चेंज करने से उसके ऑप्शंस बदलते हैं, तब जाके हम उसमें लैब करते हैं, ठीक है।
तो नंबर एलिमेंट कल तक कंप्लीट था, अब हम लोग फॉन्ट कर रहे हैं तो किस में क्लिक करेंगे, फॉन्ट टैब में, ठीक है। दूसरा स्टेप है नाउ क्लिक ऑन द रिक्वायर ऑप्शन, नाउ क्लिक ऑन द रिक्वायर ऑप्शन। रिक्वायर ऑप्शन नीचे दिया गया है कि कौन कौन से ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और किस पे क्लिक करना चाहेंगे, ये आपके अनुसार डिपेंड करता है कि आप किस पे क्लिक करेंगे। पहला है फॉन्ट, फर्स्ट में दिया गया है, इट अलाउज यू टू चूज एन फॉन्ट बाय क्लिकिंग अ नेम इन द लिस्ट, ठीक है। तो इसमें जो है फॉन्ट, पहला आप इधर साइड में जो बॉक्स दिया गया है उसमें भी ध्यान देंगे। पहला जो स्टेप है उसमें बताया जा रहा है कि फॉन्ट के बारे में कि इट अलाउज यू टू चूज एन अ चूज अ फॉन्ट, ये अलाउ करता है, ये आपको प्रोवाइड भी कराता है कि आप कौन सा फॉन्ट लेंगे, इसमें से आप चूज़ कर सकते हैं। और जिस पे जिस नेम पे फॉन्ट का भी अलग अलग नाम होता है इसमें दिया गया है, अरबिक है, क्लाजोन प्रो है, उसके बाद बोल्ड प्रो है, इस प्रकार से देवनागरी है, तो ये सब जो है फॉन्ट्स हैं। और आप इसको स्क्रॉल बार से ऊपर नीचे कीजिएगा, वैसे आप लोग लैब में भी देखे हैं तो बहुत सारे फॉन्ट के स्टाइल्स ओपन होते हैं, बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज होते हैं उसके अंदर जो हमारे समझ के बाहर भी होता है, ठीक है। तो आप उसमें से कोई भी नेम पर क्लिक करके फॉन्ट नेम पे और उसको चेंज कर सकते हैं फॉन्ट को, ठीक है। पहला कंप्लीट हुआ, अब दूसरे स्टेप को देखिएगा, फॉन्ट स्टाइल, ठीक है, फॉन्ट का स्टाइल, इट अलाउज यू टू सेट द फॉन्ट स्टाइल दैट इज रेगुलर, सॉरी हाँ रेगुलर इटैलिक बोल्ड एंड अंडरलाइन इटैलिक, ठीक है। तो ये जो है आपका फॉन्ट स्टाइल जो है फॉन्ट के स्टाइल को चेंज करता है, यानी एक एक लेटर्स जो होते हैं उसको टेढ़ा करना, गाढ़ा कर देना, बोल्ड मिस होता है गाढ़ा कर देना, ये सब चीज़ जो है उसमें हो सकता है और होता भी है फॉन्ट स्टाइल में, ठीक है। तो इट अलाउज यू टू सेट द फॉन्ट स्टाइल, तो फॉन्ट स्टाइल में जो है आप फॉन्ट के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, जैसे फॉन्ट को आप मोटा कर सकते हैं, गाढ़ा कर सकते हैं और तिरछा कर सकते हैं, इटैलिक से अंडरलाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है साइज, फॉन्ट का साइज, उसका साइज क्या रखेंगे आप, ज़्यादा बड़ा, मीडियम, सबसे छोटा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में कितना साइज जो है लेंगे। इट अलाउज यू टू सेट द फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज मिनिमम 8 से स्टार्ट होता है और लास्ट जाता है 72, कितना जाता है 72। तो कई ऐसे जैसे पावर पॉइंट वगैरह है, एक्सेल है, तो एक्सेल में थोड़ा ज़्यादा भी जाता है फॉन्ट साइज, 72 से भी आगे बढ़ जाता है, लेकिन नॉर्मली अगर आप वर्ड खोलते हो एमएस वर्ड तो उसमें आप देखेंगे कि ये सब जो है 72 तक ही लास्ट होता है। तो 8 जब कीजिएगा ना, 8 पे रखिएगा तो बहुत छोटा होगा, और मीडियम आप ले सकते हैं, उसके बाद रेगुलर होता है, 8 के बाद फिनिश होता है वो 72 पे, तो उसे आप लोग साइज ले सकते हैं जिससे फॉन्ट का स्टाइल सॉरी साइज चेंज हो सकता है। उसके बाद है अंडरलाइन, जो कि मैं फॉन्ट स्टाइल में ही बता चुकी हूँ, ये शायद उसमें छूट गया होगा, ठीक है। तो इट अलाउज यू टू सेट अंडरलाइन ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अच्छा इसके अंडरलाइन जो है वो अलग अलग प्रकार की है, ठीक है, कोई डबल अंडरलाइन होता है, कोई वेव अंडरलाइन होता है, कोई डॉट डॉट अंडरलाइन होता है, कोई डैश डैश अंडरलाइन होता है, कोई स्ट्रेट अंडरलाइन होता है, तो इस प्रकार से अंडरलाइन के भी स्टाइल्स आते हैं, ठीक है। उसके बाद है एक कलर, इट अलाउज यू टू चूज द फॉन्ट कलर, कलर में क्या हो सकता है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कलर्स होते हैं जिसमें आप फॉन्ट के कलर को चेंज कर सकते हैं, क्लिक करके उस पर सेट हो सकता है और होता भी है। उसके बाद है नॉर्मल टेक्स्ट, यू कैन सेलेक्ट दिस चेक बॉक्स टू सेट द फॉन्ट फॉन्ट स्टाइल साइज एंड इफेक्ट टू द नॉर्मल स्टाइल, ठीक है। इसमें नॉर्मल टेक्स्ट में आप क्या कर सकते हैं, यू कैन सेलेक्ट दिस चेक बॉक्स, इस चेक बॉक्स को सिलेक्ट करके और उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, फॉन्ट फॉन्ट का स्टाइल और साइज इसके अंदर या फिर नॉर्मल स्टाइल, ये सब कुछ इसमें सेट होता है और आप क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट आता है इफेक्ट, इफेक्ट में क्या होगा, देयर आर 3 चेक बॉक्सेस, इफेक्ट में जो है 3 चेक बॉक्सेस होते हैं, 3, ठीक है। कौन कौन होता है, पहला होता है स्ट्राइक थ्रो,
पहला है स्ट्राइक थ्रो। स्ट्राइक थ्रो का मतलब क्या है आपको बताते हैं अभी। टू ड्रॉ अ लाइन थ्रो सिलेक्टेड टेक्स्ट और नंबर्स। ड्रॉ अ लाइन, एक ये लाइन ड्रॉ करता है कहाँ पे, सिलेक्टेड टेक्स्ट और नंबर्स पे, ठीक है। उसके बाद है सबस्क्रिप्ट, आप लोग देखे हैं ना, उस पर लाइन ड्रॉ होता है, जैसे ए बी सी करके ऑप्शन था और इस पर ये लाइन आता था, ऐसे काट देता था, बड़ा दिखाते हैं आपको, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्राइक थ्रो बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद एक आता है आपका सबस्क्रिप्ट, आप लोग पढ़े हुए हैं सबस्क्रिप्ट। टू फॉर्मेट द सिलेक्टेड टेक्स्ट और नंबर्स एज सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। उसके बाद है सबस्क्रिप्ट टू फॉर्मेट द टेक्स्ट और नंबर एज सबस्क्रिप्ट। मतलब क्या है, सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट आप लोग किए भी थे लैब में, आई होप आपको याद होगा, मैं फिर से रिवाइज करा देती हूँ। देखिए सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट क्या होता है, जहाँ भी आप देखिएगा फॉन्ट ग्रुप उसमें ये दिया हुआ रहता है, इसको कहते हैं हम लोग सुपर स्क्रिप्ट और इसको कहते हैं सब स्क्रिप्ट, ठीक है। तो सुपर करने से सुपर होता है, सब करने से सब होता है, लेकिन होता कैसे है, ये क्या है, ये जो एक्स देख रहे हैं यहाँ पे आप कोई नंबर्स डाल सकते हैं, ठीक है, कोई टेक्स्ट डाल सकते हैं और उसको सब और सुपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको एक फॉर्मूला बताई थी कि मान लीजिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो इसको लिखने में अगर आप कंप्यूटर में टाइप करते हैं, ठीक है, तो वो कैसा टाइप होगा, वो कुछ इस प्रकार से टाइप होगा, वो ऐसा टाइप होता है, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो टू जो है वो नीचे आ जाएगा, तो क्या ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन पाया, नहीं ना, ये गलत है। इसको सही करने के लिए यानी इस रूप में लाने के लिए हम लोग जो है इसी ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, इस टू को सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, इस सब सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करते हैं, ये टू जो है ऊपर आ जाता है और कुछ ऐसा बन जाता है, ठीक है। तो ये हो गया सुपर स्क्रिप्ट, तो इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हो इसमें। अब आ जाइए सब स्क्रिप्ट में क्या होता है, ये जो टू है ये बेस लाइन होता है, ये पावर होता है, ये बेस लाइन होता है, ठीक है, ये पावर कहते हैं ना इसको हम लोग, और ये क्या होता है, बेस होता है, यानी हिंदी में आई थिंक इसको घात बोलते हैं, और हाँ इसको घात बोलते हैं और इसको आधार बोलते हैं, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे मैथ्स में पढ़े होंगे, ठीक है, मैथ्स में पढ़े होंगे, आपको पता होगा। तो अब आपको अगर सब स्क्रिप्ट करना हो तो उसके लिए क्या होता है, नॉर्मल एक वाटर का केमिकल फॉर्मूला आता है केमिस्ट्री में, वो है H2O होता है, ठीक है, H2O ये वाटर का फॉर्मूला है, क्या है, वाटर का फॉर्मूला है, ये H4 हाइड्रोजन होता है और O4 ऑक्सीजन होता है, यानी हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु मिलके क्या बनाते हैं, पानी, वाटर, ठीक है,
ये आप लोग आगे पढ़ेंगे या फिर साइंस में आप लोग पढ़ भी चुके होंगे या पढ़ेंगे, पता नहीं। तो ये क्या है, H2O है, ये किस चीज़ का फॉर्मूला है, वाटर का फॉर्मूला है। अगर मान लीजिए कि आपको इसे चेंज करना है यानी टाइप करना है, तो अगर आप टाइप करते हो तो फिर वही बात ऐसा होगा, यानी आप H2O टाइप करेंगे तो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, जो कि ये गलत है। अब इस 2 को आप सिलेक्ट करके, इस 2 को सिलेक्ट करके अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा, वो ऐसा बन जाएगा, ठीक है, नीचे आ जाएगा। तो सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट समझ गए, ये X2O, X2 और X2 से ही आप लोग समझ गए होंगे कि ये पावर है और ये बेस है। अगर आप इस सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करते हैं तो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को वो ऊपर ले जाता है, एकदम सर पे चढ़ा देता है, और अगर आप इस X2 पे क्लिक करते हैं तो ये क्या करता है, अपने नीचे ले आता है यानी नीचे रख देता है, ठीक है, तो सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को नीचे कर देता है। तो ये हो गया आपका सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट कम्प्लीट। यहाँ पे इस लाइन में एक्सप्लेन नहीं किया गया था इसलिए आपको बता दिया गया है। क्लिक ऑन द रिक्वायर्ड चेक बॉक्स टू सेलेक्ट, और उस बॉक्स में, चेक बॉक्स में हम लोग क्लिक करेंगे और सेलेक्ट कर लेंगे, और लास्ट क्या करेंगे, क्लिक ऑन ओके। तो ये ओके करने से, एक ही बार सब कुछ इस बॉक्स में कर लेने से क्या होगा, ये जो भी ऑप्शन किए आप लोग, फॉन्ट किए, फॉन्ट स्टाइल किए, साइज किए, फिर अंडरलाइन किए, कलर, नॉर्मल टेक्स्ट, इफेक्ट, स्ट्राइक थ्रो, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट और लास्ट में ओके, ये सारा ऑप्शन एक ही बार में एक डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब अगला है हमारा बॉर्डर टैब, डी नंबर है बॉर्डर टैब। देखिए जब हम लोग टेक्स्ट टाइप करते हैं ना तो उसके चारों तरफ से बॉर्डर भी देते हैं। मान लीजिए आप किसी को इनविटेशन कार्ड दे रहे हैं, अब इनवाइट कर रहे हैं, कोई भी चीज़ का इनविटेशन कार्ड हो सकता है, बर्थडे का हो सकता है, कोई भी सेलिब्रेशन हो सकता है जिसमें आप कार्ड तैयार कर सकते हैं, या फिर एक अच्छा सा डॉक्यूमेंट ही बनाएंगे तो उसमें चारों तरफ से बॉर्डर होता है, कभी लेफ्ट साइड से होता है, कभी राइट से होता है, यानी लेफ्ट राइट होता है, अप डाउन, कोई भी डायरेक्शन में, बीच में भी जो चारों लाइन होते हैं ना उस बॉक्स के अंदर, वो कहीं से भी बॉर्डर रेडी हो सकता है। जैसे कि आपको मैं बताऊँ पिक्चर के द्वारा, या तो बोर्ड भी भर गया, जैसे कि मान लीजिए ये एक बॉर्डर का बॉक्स है, ठीक है, तो इस प्रकार से होता है, आप इसके जितने भी खंड देख रहे हैं यानी जितने भी लाइन देख रहे हैं, ये एक लाइन हो गया, ये हो गया, ये काट रहा है तो ये अलग, ये अलग, ये अलग, ये भी अलग, फिर इस लाइन को देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं, ये जितने भी लाइन्स हैं, तो उसका एक लाइन आपका एक बॉर्डर बन सकता है, उसका एक लाइन आपका एक बॉर्डर बन सकता है, बाकी जो है वो नहीं भी हो सकता है, और ये पूरा डब्बा भी आपका एक बॉर्डर बन सकता है, ठीक है। आइए इसी को डिटेलिंग में हम लोग जानते हैं कैसे करेंगे। बॉर्डर टैब इज यूज टू पुट अ बॉर्डर इन डिफरेंट स्टाइल अराउंड अ सिंगल सेल और अ रेंज ऑफ सेल्स। यहाँ पे बताया जा रहा है कि बॉर्डर टैब का उपयोग हम लोग बॉर्डर को पुट करने के लिए करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में करते हैं, या तो टेबल के चारों तरफ करते हैं, या पूरे टेबल में करते हैं, या टेबल के हाफ में भी कर सकते हैं, इस प्रकार से आप जिधर चाहें उस डायरेक्शन में, अकॉर्डिंग टू पिक्चर मैं आपको बता चुकी हूँ, उस प्रकार से कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला है आपका क्लिक ऑन द स्टेप, फर्स्ट है क्लिक ऑन द बॉर्डर टैब। अब देखिए नंबर हो गया, नंबर टैब आप लोग पहले दिन पढ़े थे, सेकेंड उसी दिन आपका एलिगमेंट टैब हुआ था, आज आपका फॉन्ट टैब भी कम्प्लीट हो गया, और अब स्टार्ट है बॉर्डर टैब। तो हम लोग किस पे क्लिक करेंगे, वही बॉक्स है, कौन सा बॉक्स है, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स है, फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स में ही हम लोग चल रहे हैं। तो देखिए एक ही बॉक्स इतना उपयोगी है कि आप इसमें एक बॉक्स को ओपन करके सारा कुछ, जितने भी ऑप्शन है, आपको कहीं अलग जाना नहीं पड़ेगा, इस एक ही बॉक्स में आप बैठे बैठे सबको सेट करके अब बस एक ओके कीजिएगा, आपका टेक्स्ट जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, बदल जाएगा। तो पहला स्टेप है क्लिक ऑन द बॉर्डर टैब,
दूसरा है नाउ क्लिक ऑन द रिक्वायर ऑप्शन, यानी कोई भी ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए, नीचे जो दिया गया है उस पर। स्टाइल फर्स्ट है, क्लिक सेलेक्ट एनी वन ऑफ द लाइन स्टाइल फ्रॉम द लिस्ट। ये है लाइन स्टाइल, यानी बॉर्डर का आपको पहले ही बताए थे, एक स्ट्रेट लाइन हो सकता है, डबल लाइन हो सकता है, फिर आपका डैश डैश हो सकता है, ये बॉर्डर बता रही हूँ आपको, ये अंडरलाइन नहीं है, बॉर्डर है, ठीक है, और डैश हो सकता है, डॉट डॉट हो सकता है। तो इस प्रकार से क्या होता है, बॉर्डर का अपना अपना स्टाइल होता है, कोई भी आप चुन सकते हैं। सेकेंड है आपका कलर, इसी में कलर भी है, बॉर्डर का कलर आप ले सकते हैं। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो एंड सेलेक्ट द डिज़ायर कलर, ड्रॉप डाउन एरो जो है उसका नीचे कलर में, यहाँ पे उस पर क्लिक करेंगे और उसमें बहुत सारे कलर्स ओपन होंगे, उस कलर में से आप कोई भी कलर ले सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। थर्ड है आपका प्री सेट्स एंड बॉर्डर, प्री सेट और बॉर्डर क्या होता है, क्लिक ऑन द बटन्स एज पर योर रिक्वायरमेंट, ठीक है, आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार क्लिक करें। अंडर प्री सेट ऑफ और बॉर्डर दिस, यानी प्री सेट और बॉर्डर ऑप्शन है, उसके अंदर आप क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए क्या होगा, दिस डिस्प्लेज अ लाइन विथ योर सेटिंग इन अ सैम्पल रीजन। तो ये जो है आपको डिस्प्ले करेगा, यानी दिखाएगा, ये एक्चुअली प्री सेट यहाँ है, ठीक है, ये प्री सेट है बॉर्डर का, नन है, आउटलाइन है, इनसाइड है, ठीक है, ये बॉर्डर है। तो बोला जा रहा है कि इस पर आप क्लिक कीजिए, क्लिक करने से क्या होता है कि आपको यहाँ पर शो करेगा कि आप जो भी ऑप्शन अप्लाई कर रहे हैं, यानी जैसा भी बॉर्डर कर रहे हैं, वो वहीं पे दिखा देगा कि आपका ऐसा बनेगा, ठीक है। एक जैसे कि मान लीजिए कपड़ा लेने ही जाते हैं आप लोग, तो एक कैटलॉग दिखाता है ना कि आपका कपड़ा ऐसा होगा, तो जिसको आप चूज़ करते हैं वो आपके सामने कपड़ा ला के दिखाता है। तो उसी प्रकार से सेम वही प्रोसेस है कि यहाँ आप जो है बॉर्डर और ये प्रीसेट डिज़ाइन पे आप क्लिक कीजिएगा ना, प्रीसेट और बॉर्डर ऑप्शन पे, तो वहाँ पे जो है बॉर्डर आप कैसा चुन रहे हैं, कैसा बॉर्डर ले रहे हैं, उस पर क्लिक करिएगा तो दिखाई देगा, ठीक है, सैम्पल दिखाता है वहाँ पे। हो गया कंप्लीट, तो यहाँ से हम लोग बॉर्डर टैब भी कंप्लीट कर लिए। अब है आपका लास्ट, क्लिक ऑन ओके, लास्ट स्टेप क्लिक ऑन ओके, ओके कीजिएगा, हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है एडिंग बॉर्डर टू अ रेंज ऑफ सेल्स, देखिए पहले और बाद में ये सिलेक्ट करके बॉर्डर दिया गया है, कुछ ऐसा बन जाएगा, ठीक है। आपका टाइम देख लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग फील टैब पढ़ेंगे। अगला है हमारा फील टैब, और उसके बाद एक लास्ट टैब बचेगा प्रोटेक्शन टैब, तब हमारा फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स कंप्लीट होगा, ठीक है। आज का क्लास हम लोग यहीं पे फिनिश करेंगे, क्योंकि ये फील टैब पढ़ते पढ़ते हमारा कुछ ज़्यादा ही समय निकल जाएगा, क्योंकि फील टैब में भी कम से कम 5 पॉइंट पढ़ने हैं हमको, ठीक है, 5 पॉइंट इसमें पढ़ना है, जो कि आप देख ही रहे होंगे अपने बुक में, वो है बैकग्राउंड कलर, पैटर्न कलर, पैटर्न स्टाइल है, फील इफेक्ट है, और मोर कलर्स है, सैम्पल है, ये सब कुछ आपको पढ़ना होगा, समझना होगा, इसके लिए हमारे पास काफ़ी समय चाहिए, ठीक है। तो फील टैब और प्रोटेक्शन टैब हम लोग कल पढ़ेंगे, और अच्छा भी रहेगा हमारे लिए, हम दो दो टैब करके पढ़ रहे हैं ना, नंबर और एलिमेंट टैब आप लोग का कल हुआ था, आज हो गया आपका फॉन्ट और बॉर्डर टैब, और कल होगा फील और प्रोटेक्शन टैब, और तब हम लोग आगे के टॉपिक्स को देखेंगे, ठीक है। तो फील और प्रोटेक्शन टैब आप लोग अच्छे से रीड कर लीजिएगा, और यही चलेगा हमारा फील और प्रोटेक्शन करते करते, हमको लगता है कि आपका हम लोग का क्लास जो है वो फिनिश हो जाएगा, और कुछ ऑपरेटर और फॉर्मूला है जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट डे आप लोग रीडिंग करके आइएगा। आज के क्लास में किसी भी टॉपिक को समझने में, किसी स्टेप को समझने में दिक्कत हो, आप कमेंट सेक्शन में जाए, मैसेज करें, उसका एक्सप्लेनेशन आपको अगले दिन, उसके भी अगले दिन हो सकता है तो मिल जाएगा, ठीक है।